आज दिनांक 22 सितंबर 2021 दिन बुधवार और आज हम हैं सिरसा जिले के भरोखा गांव में। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे पोते से, जो एक हैंडमेड कलाकार है, जो यानी कि हाथ से गत्ते से काट कर वस्तु बनाता है, ट्रैक्टर ट्राली बुल्ट वो पता नहीं क्या क्या नीचे, आओ आपको दिखाते हैं मिला। हाँ तो दोस्तों ये है, देखिए ये बने हुए हैं, आपको बारी बारी से दिखाएंगे। ये देखिए किस चीज़ के बने हुए आपको लगता है, ये सारे के सारे गत्ते से बने हुए हैं। जो गत्ता हमारे पास आता है जिसमें सामान आता है पता पता कर तो बाद में दिखाएंगे आपको। इससे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं हमारे पोते कलाकार हैंडमेडेड जो ट्रैक्टर ट्रैली और एरो बनाते हैं। इंट्रोडक्शन कीजिए कीजिए इंट्रोडक्शन कुछ अपने इंट्रोडक्शन देंगे। पहले बताइए क्या नाम आपका? हितेश। आगे गांव? ब्रोखा। और हम हैं इनके, हम क्या लगते हैं आपके? दादाजी। और अब आपको इनकी बनी हुई वस्तुओं के दिखाते हैं। दिखाइए अपने अपने सामान जो आपने बनाया है। ट्रैक्टर दिखा अलग से चला के दिखाओ ट्रैक्टर को। ये ट्रैक्टर गत्ते से बना हुआ, देखना किसका लगता है आपको? ये गत्ते से बना हुआ ट्रैक्टर है, ये किसी लोहे से या लकड़ी से नहीं बना है। और दूसरा दिखाइए। हाँ तो दोस्तों देखिए ये है कंबाइन मशीन, जिसे कंपैन भी बोलते हैं हम हिंदी में, जिससे हम खेतों में गेहूं और धान काटते। देखिए मॉडल क्या लगता है आपको? प्लास्टिक का? ये नहीं, ये सिर्फ गत्ते से बनाया हुआ है। और ये आगे से कनक उठाने वाला चक्कर, अब आपको इसको चला के दिखाएंगे हितेश गोरा। देखिए 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 ध्यान से, किसकी बनी हुई है दोस्तों? ये बनी हुई है गत्ते से, इसमें कोई प्लास्टिक नहीं है, सिर्फ गत्ते को बनाकर इसके ऊपर रंग किया हुआ है। पीछे देखिए यहाँ से जो कचरा निकलता है, इसमें गेहूं निकलने वाली भी मशीन अलग से है, ये पौड़ियाँ हैं। निकल गया इसका जगह से। एक मिनट अब देखती है, अब आपको दिखाते हैं ये टायर भी गत्ते से है। देखिए ये इधर इसकी गेहूं निकालने वाला क्या बोलते हैं इसको, पाइप इधर से गेहूं निकलती है, बोर बोलते हैं गेहूं वाला इसको। ये गेहूं निकालने के लिए तैयार हो चुके हैं बोर इधर से, इधर से गेहूँ निकलती है इसकी, गेहूँ भी और धान भी इधर से निकलते हैं। चलिए अब चलने के लिए तैयार है मशीन गेहूँ काटने के लिए। चलिए चलिए हाँ ये दिखाते हैं अब आपको तूड़ी से बनाने वाली मशीन। तूड़ी की मशीन को ट्रैक्टर से जोड़ते हैं, ये पाइप है जिसके हम ट्राली में लगाते हैं, जिसमें तूड़ी बन कर आती है। ये अब इसको ट्राली के साथ जोड़ देते हैं, ये इंजीनियर हितेश कुमार में लगाने के बाद
अब नीचे ट्रैली को ही जोड़ने पड़ेगा, पहले इसको सेट कर लेते हैं। अब ये हो गया सेट, इसके अंदर थोड़ी बाहर पीछे ट्रैली में निकलने के लिए तैयार। अब नीचे भी इसके हुक लगा दिए ताकि ये निकले ना। अब तैयार है मशीन तूड़ी बनाने के लिए। अब ये खेतों में उतरी तूड़ी बनाने के लिए, देखिए खेतों में होती है ऐसी होती है ना, तूड़ी निकालते हैं जिससे पीछे ट्रॉली ट्रैक्टर होता है, फिर उसकी मशीन होती है, उसके पीछे ट्रॉली होती है। ये भी हितेश गौरव इंजीनियर ने गत्ते से बनाई हुई है, देखिए अच्छी लगी है क्या। खेतों में भी ऐसी आहिस्ता आहिस्ता चलती है मशीन ताकि तूड़ी ढंग से बन सके, स्लो मोशन। हाँ तो दोस्तों देखिए ये है गत्ते से बनाया हुआ एनफील्ड बुलेट जो आपको 1.5-2 लाख में मिलता है, लेकिन यहाँ पर इंजीनियर हितेश गौरा आपको कुछ ही सेवा में करके आपको बुलेट तैयार करके दे देंगे जो आप लाखों लगाते हैं। मात्र यदि आपका फ्री सेवा कर दे कोई आए तो इसको लेने के लिए। ये हितेश गौरा आपको बताएंगे। ये पानी तेल की टंकी भी है, इसमें टायर भी मोटे मोटे हैं इसके, ये पीछे बुलेट की सीट भी है। किस कलाकारी से बनाए हुए छोटे छोटे गत्तों को काट के उसको जोड़ना, उसके टायर बनाना बड़ी मुश्किल का ही काम है, बड़ों से तो बनता ही नहीं है। देखो छोटे से बच्चे ने तैयार किया हुआ है एनफील्ड बुलेट बुलेट, ये देखिए ये आपको चला के दिखाएंगे कैसे चलता है बिना तेल के चलने वाला पेट्रोल बुलेट बुलेट, देखिए ध्यान से छोटा सा ये स्टेयरिंग इसका घुमाने वाला, ये आगे से इसके टायर भी देखिए मोटे मोटा टायर, ये आगे इसके लेग गार्ड, देखा आपने 1.5 लाख का बुलेट कैसा लगा आपको। अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ले जाते हैं जहाँ पर ये ट्रैक्टर ट्रैली कंपनी तैयार करती है। देखिए हितेश गौरा का ऑफिस, यहाँ पे देख क्या क्या चीज बनी हुई है, लाइट जगा दे। अब आपको ये हाउस से भात से बनी हुई लाइटें जला के दिखाएंगे कैसे लाइट जलाई है, पता नहीं क्या सिस्टम आ रखा है इसमें लाइट जलेगी देखना।
बड़ी लाइट और ये छोटी लाइट, एक छोटा कलाकार और भी लाइट है सर, आपको दिखाएं दूसरी भी। चलो ये दिखा देते हैं, देखिए ले। साथ ये इलेक्ट्रॉनिक भी बना सकते हैं, कितना टेक्निकल व्यक्ति है। और हमारा मकसद आपको ये वीडियो दिखाना और ये गत्ते के ट्रैक्टर ट्राली कंपाइन दिखाना, बुल दिखाना, हमारा मकसद है आप भी अपने बच्चों को ऐसी क्रिएटिविटी में बनाने में सहयोग करें ताकि वो आगे बढ़कर कोई वैज्ञानिक बन सके। आपको कैसी लगी वीडियो बताना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुभ नमस्कार, जय हिंद।